ओरिजिनल चीज अंटी को नहीं, वही तो नहीं, औरत का गहना उसका पति होता है। बहुत लोग पूछते भी थे कि आपकी जो मौसी है छोटी वाली, उसके फैमिली के बारे में बताइए। जो हम कितना संघर्ष किए, हम माइनस जीरो से जिंदगी सीखा है अपने जीवन में। 6 महीने की थी वर्षा और उसके पापा नहीं रहे। आंटी इतना संघर्ष करके आगे बढ़ी है, सब कुछ मिला जो बस एक पापा का प्यार नहीं मिला। देख सकते हैं हम रेडी हो चुके हैं और रेडी होके कहीं जा नहीं रहे, बस वीडियो शूट करना है। मम्मी कैसा लगा आपको? बहुत ही सुंदर लग रही है। नहीं हाँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। कहाँ से मंगवाई हुई? ऑनलाइन पेज से मंगवाया। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन पेज से जरूर लीजिएगा। और अब जाते हैं चेंज करने के लिए। आज बहुत सारा वीडियो बनाया है मम्मी और आंटी के साथ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे जरूर देखिएगा। मम्मी मेरे लिए भी खरीदो बहू, खरीदेंगे। तो जी आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में कि हम लोग गए हुए थे शॉपिंग करने के लिए। जी हाँ, पूर्णिया से तो हम लोगों की खरीदारी हुई ही, लेकिन कुछ खरीदारी जो है मालूम चला कि अधूरी ही रह गई है। तो उस खरीदारी को जो है पूरा करना है। जी हाँ, हम लोग जाने वाले हैं जी अपनी बहन की शादी में। बहन तो हमारी ही हुई, बाकी सभी का जो है अपने अनुसार रिश्ता हुआ, जैसे जिया की भाभी हो गई। शॉपिंग कराने इसलिए जरूरी है। दीदी हमको एक चप्पल दी, अच्छा उसको दिया था दीदी, वो चप्पल पसंद नहीं था तो नहीं पहनी, हमको दे दी। वो शादी में जो हम पहन के गए वह चप्पल तो मेरा कैथिए में टूट गया, वही टूट गया। तो बेटा बोला जो छोड़ो, बहन बेटी के शादी में जा रही है ना, तो एक और चप्पल खरीद देंगे। बिल्कुल जी, दुखी होने का क्या बात, जब ये खरीदने वाला तैयार है तो आंटी को क्या दिक्कत, लेने में क्या दिक्कत है फिर। तो ठीक है जी, तो अब ऐसा करते हैं, चलते हैं जल्दी से। हम तो इसलिए ले जाने वाले थे क्योंकि ये लोग कहा कि मर्चा वाली तक पैदल ले जाएंगे, तो हम कहने हमारी तबियत खराब। हम इस बात को समझ गए, मम्मी को बोले मम्मी चलिए ना गाड़ी जा रही है। ठीक है, हम भी तैयार। ठीक है, तैयार हो जाओ, जल्दी हो जाओ। हमको लगा तुम तैयार होगे, अभी तक तैयार नहीं हो, जल्दी हो जाओ तैयार। इसको कहते हैं एक्सरसाइज किया करो, जो कहीं पैदल भी जाने में मत हिचकिचाओ। लेकिन तो पैदल जाने के कितना भी इम्पोर्टेंट काम होगा तो पैदल के नाम पर या कहेगी हम नहीं जाएंगे। तो कोई बात नहीं जी, तो मम्मी का बस तैयार होना बाकी है, तो मम्मी भी तैयार हो जाएगी और फिलहाल सब चलेंगे। और क्रियांश को लग रहा है नया कपड़ा आखिर क्यों पहनाया गया। क्या रहा है बेटा? ये देखिए इस कपड़े का क्या हाल होने वाला है आपको कुछ देर में मालूम चलेगा ही। तो इसीलिए जो है सबसे लास्ट में इसको तैयार किया जाता है, नहीं तो सारे कपड़े की हो जाती ऐसी तैसी। ये ऊन का जो गोला है यह भी लेना चाह रहा है, ये कांटा और ये सबको हटा दिया जाए वरना सारा जो भी अभी तक का काम है सब बिगड़ जाएगा। 20 minutes later तो हम लोग आ चुके हैं मार्केट और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगा दी है क्योंकि हमारा जो मार्केट है ना बहुत ज्यादा रश रहता है, बहुत ज्यादा गाड़ियाँ रहती है, तो गाड़ी लेकर के तो पॉसिबल ही नहीं है लेके जाना। तो गाड़ी हम लोग जो है यहाँ पर लगा दिए है, टाउन हॉल है, तो जब तक यहाँ पर पार्किंग स्पेस फ्री है तब तक बस फ्री है, भाड़ा उठा रहे हैं, नहीं तो फोर व्हीलर लेके आने का भी रास्ता नहीं रहेगा। और यहाँ आंटी है तो आज करने वाले हम लोग बहुत सारी शॉपिंग, तो यहाँ से लगता है टोटो लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग आ गए बाटा, यहाँ पे आंटी के लिए लेना है हम लोगों को सैंडल या चप्पल, देखते हैं जो भी अच्छा लगेगा। ये तो घर वाला ड्रेस में ही पहुँच जाते हैं हर जगह। आंटी ने ले लिया है अपना चप्पल और यहाँ पे आंटी का झोलटंका, झोलटंका आंटी नाइटी को कहती है। आंटी झोलटंका। और यहाँ पर जिया देख रही है सारे कपड़े सब, तो कुछ कुछ जिया अपने लिए भी देख रही है और अपनी ननद के लिए भी देख रही है। देखो वीडियो कॉल कर तो दिखा रही है वर्षा को, वह कि कोई पसंद आ जाए। तो यहाँ पर हो गई है हमारी शॉपिंग और जिया फिलहाल वहाँ पर बिलिंग करवा रही है और आंटी इंतजार कर रही है। वर्षा को भेजे ना, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो वर्षा को पसंद आया? हाँ, 3 पीस भेजी जिया, लेकिन उसमें उसको एक पसंद, एक पसंद आया। चलो कोई नहीं। A few moments later. तो सारा कुछ शॉपिंग हो गया, बस चूड़ी बचा था तो यहाँ पे आ गए हैं चूड़ी लेने के लिए। और आंटी बैठी हुई है, ये डार्क कलर लग रहा है अंकल, ये डार्क कलर यही चाहिए लेकिन साइज बड़ा है। हाँ, कलर वो बोला साइज। तो शादी की जी हम लोग कर लिए हैं खरीदारी और अच्छी खासी खरीदारी हुई हमारी, और उसके बाद जब बारी है कुछ पेट पूजा की, तो यहाँ का चाट हमें बहुत अच्छा लगता है, तो सोचे कि एक बार जो आंटी को भी टेस्ट करवा दिया जाए यहाँ का चाट। और बहुत वैरायटी वैरायटी का चाट मिल जाता है, पापड़ी चाट, क्या कहते हैं मिक्स चाट, पनीर पकौड़ा चाट, लिट्टी चाट, पकौड़ा चाट, मतलब बहुत तरह का चाट रहता है यहाँ पर। करके करके शुरू करते हैं खाना। बेटा बेटा बेटा, हम
लोग मार्केट से आ चुके हैं और अभी रात के बज रहे सारे 10 और अब बज गया जी 10:30 और अब बारी है क्रियांश के मालिश की, क्योंकि क्रियांश का जल्दी से मालिश हो जाए और इसको सुलाने का जो प्रोसेस होता है कम से कम आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा, तो यहाँ एक प्रोसेस, तो इसलिए जितना जल्दी मालिश हो जाएगा उतना जल्दी उस प्रोसेस में हम लोग घुस जाएंगे और फिर यह सो जाएगा। जल्दी सोएगा तो जल्दी उठेगा, जल्दी उठेगा जल्दी उठने का तो नाम नहीं लेता, बस रात में ये 2-3 बार उठ जाता है और सुबह जब उठने की बारी होती है तो इसको उठाओगे नहीं जब तक ये उठेगा नहीं, 11 बजे तक सोए रहेगा। लेकिन इसको मॉर्निंग में तुमको कल 6:30 से 7 बजे तक उठना है, ध्यान समझ गए? बिल्कुल जी, ओके ओके, उठ जाएगा उठ जाएगा। चलो जल्दी से इसकी मालिश कर दी जाए। The next day यहाँ पे क्रियांश को देख सकते हैं, क्या कर रहे हो क्रियांश? रोटी खिला दी आपने? डेली गाय के साथ खेलता है क्यांसी? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप बताओ? गाय को रोटी दे रहे हो? रज करता है उंगली खा लेगा तेरा, देख लेना। आजा 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 आजा, डर भी नहीं लग रहा तुमको, आ रहे हो? क्रियांश का गेट खुल गया और क्रियांश क्या किया ना, बॉल फेंक दिया और बाहर गया लेने और ये भाग गया। कहाँ गया था? जल्दी अंदर आ, घुसो अंदर, अंदर आ, चल निकल, भाग यहाँ से, चल निकल, चल यहाँ से, चल अंदर, चल भाग भाग, गेट बंद कर दे। भागता है, गेट खुलते ही जब भागेगा। अब दो बॉल, बॉल बाहर फेंक देता है, बॉल नहीं मिलेगा। देखो ये बॉल बाहर इसलिए फेंकता है कि गेट खुले और हम भागे गेट से बाहर। One hour later. आंटी जो है अपना कपड़ा दिखा रही है कि कपड़े की कमी तो नहीं हो गई। वैसे हमको नहीं लगता आंटी को कपड़ा कभी कमी हो सकता है। आंटी ने हुआ क्या, जो शादी में गए थे कई एक ही फंक्शन के लिए आए थे, एक ही फंक्शन के लिए हम अप टू डेट आए थे। हाँ, यहाँ हो गया दो, यहाँ हो गया दो फंक्शन। हाँ। तो ये साड़ी वहाँ हम पहन नहीं सके थे। हाँ। तो ये साड़ी तो वहाँ पहन लेंगे। हाँ। मतलब फंक्शन में तो वहाँ हो गया। हाँ, तब तो बहुत, तब तो और कुछ रहे ना रहे। हाँ। लेकिन साड़ी आपको क्या नहीं है, सब कुछ तो है ही आपको। ओरिजिनल चीज आंटी को नहीं, वही तो नहीं। औरत का गहना उसका पति होता है, बस वही तो नहीं। ऐसे सब चीज है, डुप्लीकेट सब कुछ है और ओरिजिनल पति होता है और गाड़ी घोड़ा हेन टेन पैसा सब डुप्लीकेट है। बहुत लोग पूछते भी थे कि आपकी जो मौसी है छोटी वाली उसके फैमिली के बारे में बताइए। तो हाँ, तो हमको एक ठो बेटी है, बस एक बेटी है। BSc कर चुकी है, कंपटीशन का तैयारी कर रही है, वही मेरा जिंदगी है, सब कुछ। हाँ, वही सब कुछ मेरा है, वही से शुरू अंत। अगर वो नहीं रहती तो आज तुम आंटी को नहीं देख पाते। वो तो बात सही है, आंटी सिर्फ उनके लिए बस। और वो कितने छोटी थी जो अंकल चले गए थे? 5 महीना की थी बस, 5। हाँ, 5 महीना की थी। और समझ सकती हो जो हम कितना संघर्ष किए, हम माइनस जीरो से जिंदगी सीखा है अपने जीवन में, लेकिन हम हारने वाले में नहीं है। इसलिए हमारे हस्बैंड जो थे वह हमको जो शिक्षा दिए दमंगता का, निडरता का, बस उन्हीं का, स्वर्गीय अनिल मुन्ना का नाम लेकर के सुबह होता है शाम होता है, शाम होता है, उनकी बेटी का परवरिश में हम अपने भर कोई कमी नहीं रखते हैं। वो तो हम लोग देखते हैं, पापा भी रहते तो इतना अच्छा जगह पर पढ़ा पाते या नहीं, वो भी था। हाँ, लेकिन मैं अपने बेटी को सिलाई करके अच्छा परवरिश दी हूँ। 6th class तक कानपुर में वो पढ़ी, जिसमें मामा का परवरिश था मेरे भाई नवीन कुमार ठाकुर का। हाँ, और उसके बाद वो लखनऊ में अपना मेरी बहन के यहाँ रही, वो बीच वाली बहन जो है उसके यहाँ रही, वहाँ से वो की सारा कुछ। हाँ। सारा खर्चा आंटी ने उठाया अकेले एक औरत होके। हमको लगता है पापा जितना करते हैं उतना सारा कुछ आंटी ने खुद वर्षा के लिए किया है, नहीं आंटी? हाँ, सब कुछ हम ही कर, और करने वाला कौन होता है बताओ? वही तो, अगर उसको कमी किस चीज का है? पापा का तो कमी है, बस पापा का कमी है, जो कोई पूरा नहीं कर सकता है, वो नहीं पूरा कर सकता है, प्यार नहीं पूरा कर सकता है, उसको करते हैं कमी महसूस नहीं होने देते हैं। कभी कभी वो ऐसा पहलू आ जाता है जो हमको तो खैर हर हमेशा खलता है। हाँ। उसको भी खलता है। क्योंकि पापा है, पापा वाला चीज नहीं है वो, तो उसको हम नहीं दे पाएंगे। वही चीज है, सब कुछ मिला जो बस एक पापा का प्यार नहीं मिला, वैसे आंटी किसी चीज का कमी नेचुरल मौत उनका नहीं हुआ था। उनकी हत्या हो गई थी।
आज जिसने किया वो भी चला गया। हाँ, दुनिया में जो गलत करेंगे वो जाएंगे ही, मेरा श्राप उन पर पड़ेगा। हाँ वो तो है, गलत करोगे तो गलत मिलेगा। ये साड़ी दिन में पहनने के लिए? दिन में पहनो, देखिए कितना खूबसूरत साड़ी। ठीक, अच्छा है। हाँ बहुत, ये पहनूंगी शादी से एक दिन पहले। ये भी बहुत कलर सुंदर है, देख सकते हैं। ये तुम्हारी ननद रानी के वर्षा का पसंद है। हाँ, ये जो खरीदी हूँ वो नैन्सी, हम खुद गए थे मोनू की शादी में। हाँ, दो साल पहले। ये तो हमको बहुत सुंदर लगा, आपके ऊपर खिलता बहुत है। पसंद है तो रख लो। नहीं, आपके ऊपर खिलता है। मेरे ऊपर खिलता है कितना भी मान लो साड़ी पहन लेंगे, लेकिन जो खूबसूरती लगना चाहिए वो तो नहीं लग पाता। भरने में खरीदी थी दुर्गा पूजा। हाँ बहुत सुंदर। हाँ, और हम मैं सोच रही हूँ। हाँ, जो पीला साड़ी आपके पास है घर से आती तब तो सब कुछ रहता। हाँ, वो भी तो है। वो ग्रीन हल्दी में चलेगा। हाँ, ये चलेगा वो मेहंदी में चलेगा। हाँ, और ये मेहंदी में चल जाएगा। हाँ, मेहंदी में। हाँ, वो हल्दी में। अच्छा, ये हल्दी में चलेगा। बहुत सुंदर है, ठीक तो है। मस्टर्ड कलर, मतलब पीला नहीं है, मस्टर्ड कलर है वो एकदम। और आंटी आप प्रमुख रह चुकी है ना, कितना साल? 10 साल प्रमुख रह चुकी है नोएडा में। पहले बार चुनाव लड़ी थी, उसमें मैं हार गई, लेकिन संघर्ष मैं करती रही। इसलिए हम जन शिक्षा में सीनियर ट्रेनर के रूप में सहरसा में इम्प्लॉयड थे, जिसमें एक ही सीट था पूरे बिहार में। 25 महिला का सीट था जिसमें हम भी कम्पीट किए थे। सहरसा में एक सीट था, बिहार में 25 सीट था। तो जिसका ट्रेनिंग तुमको बालमी में हुआ था, तो अनमेरिड में हम जॉब किए थे। उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद जब तुम्हारे मासा बोल बोलिए मासा नहीं रहे, तो वो हमको राजनीति करने के लिए सिखा चुके थे। तो हम नौकरी को रिजाइन करके राजनीति में उतने। बहुत आदमी का कहना था जब आप राजनीति करते हैं हो सकता है आप नहीं जीतिएगा। बहुत कुछ राजनीति में होता, तो आपका क्या होगा? तो हम बोले क्या होगा का मतलब हम आगे नहीं सोचे। हम नहीं सोचते थे जो भगवान हमको इतना बड़ा दुख देंगे। कल क्या होगा किसने देखा। लेकिन मौसा जी का था कि आप राजनीति करें, जॉब छोड़ के राजनीति। राजनीति में आई, समिति से पहली बार जीती या बहुत भारी बहुमत से जीती। आज जीतने के बाद महिला सीट था। तो प्रमुख का अपना भाग अजमाए, उसमें हमारे ससुर जी का एक ठो विरोधी था एसडीओ, बोकस वोट से हमको हरा दिया। अरे बाबा। फिर हम केस किया हाईकोर्ट में। उसके बाद फिर रिचुनाव हुआ, फिर जीत गए। इसमें हम भारी बहुमत से जीते, कंटेस्ट में था ही नहीं, 4 मत था, एक समिति थी हम। हमको 17 समिति था। और बिना पैसा का। उस टाइम आपको कौन पैसा देता? नहीं तो अपने घर से लोग समिति खा के आया, खिलौने का भी हमको नहीं, वही तो पैसा था ही नहीं। उसके बाद दूसरा बार समिति में फिर भारी बहुमत से जीती। आ फिर उसके बाद जो प्रमुख बनी, तो कंटेस्ट में तो लोग आइए जाता है। उसका भी कोई जोर नहीं था कंटेस्ट। तो मैं अपने जनता को बहुत सेवा में अपना अभी भी करते बिता दूंगी। और जनता को कोटि कोटि नमन, जो माइनस जीरो से जीने वाली आभा को आज राष्ट्र ध्वज फहराने का मौका ने नभट्टा का जनता दिया। इसलिए मैं पूरे प्रखंड निवासी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। जो आज हुआ, जो मैं बोलने के लिए इतना हूँ, किसी के यहाँ जाती हूँ आती हूँ, तो वह पहचान मुझे ब्लॉक से मिला। और साहस मेरे पति का है। और विद्या विद्याश्री ठाकुर मेरे जो पापा थे, वो मुझे डबल एमए कराए। तो साहस पति का, विद्या पापा का, दोनों कंबाइंड हो गया। और हम जनता से यही अपील करते हैं, जो सब आशीर्वाद दीजिए जो मेरी बेटी आगे बढ़े। और पापा मुझे नहीं है जो बेटी नौकरी होगा तो वो मुझे कमा करके खिलाएगी, इसलिए मुझे खिचड़ी भी खाने में शर्म नहीं है। वो तो है, लेकिन अच्छा जॉब हो जाएगा तो अपना परवरिश खुद करेगी। आज हम पढ़े लिखे थे इसलिए इतना बड़ा संकट आया, तब तो मैं झेल ली। 6 महीने की थी वर्षा और उसके पापा नहीं रहे, आंटी इतना संघर्ष करके आगे बढ़ी है। जब वो गए तो समझ सकती हो जो हम पर क्या गुजरा। बताई माँ हमको, बताई। तो दीदी हमको कटिहार ले आई। हाँ। कटिहार में दीदी हमको 6 महीना रखी। दीदी कहती थी सब दिन यहाँ रहो, हमको भी बेटी नहीं है। हम समझेंगे जो हमको बेटी है। लेकिन दिमाग में मेरा दौड़ता था, तो कभी कभी मजाक में करते थे जे हम नहीं रहेंगे तो तुम तो चली जाएगी कानपुर हैदराबाद दिल्ली। हम कहते थे ऐसा बात तो मत बोली जो हम नहीं रहेंगे। लेकिन हम नभट्टा में ही रहेंगे। ये बताते हैं, एक झोपड़ी था बस। हाँ। छोटा सा झोपड़ी था। आंटी सिलाई करके दूध का खर्चा निकालती थी।